अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर अली तासु टोल, वेलकम बैक विद इन अनदर वीडियो। कल के व्लॉग में आप सब ने मुझे कुरकुरे पकौड़े खाते हुए देखा था, जिसको देखने के बाद मेरा डीएम और कमेंट सेक्शन फ्लड हो चुका था मैसेजेस से कि प्लीज इन पकौड़ों की रेसिपी शूट करें। तो क्या ऐसे हो सकता है कि आप लोग कुछ कहें और मैं करूँ ना? क्या धमकी दे रही थी मुझे कि मैं मुझे मेरे काम पे ना छोड़ा ना तो फिर मैं बनाती ही नहीं हूँ। अच्छा, तो चले आए रेसिपी देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को थम्स अप दें। तो सबसे पहले हमने लेने हैं 2 कप बेसन। मेरा कप थोड़ा ज्यादा बड़ा है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कप ले सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। आप इसको बताएं कि दरा मिर्च बोलते हैं या दरला मिर्च बोलते हैं। नमक कम से कम खाने की आदत डालें। तो यहाँ पे मामा का मतलब था कि नमक हस्बे जरूरत ले या जरूरत से भी कम। पर फातिमा कहती है कि हमें तो जरूरत है ना नमक की। कहती तो वो ठीक है लेकिन अभी से आदत बना ले तो बेहतर है, फिर आगे माशाल्लाह हेल्दी लाइफ गुजरेगी उसकी। हमने तो शुरू में इतना नमक खाया ना कि अभी ये हशर है कि बीपी। आजकल हर कोई कहता है जो आपके साथ हो अपने बच्चों के साथ ना करना, तो ये उसकी असल मिसाल है, क्योंकि मामा ने कभी भी खट्टी और ज्यादा नमकीन चीजों के लिए नहीं छोड़ा। सच में आप लोग ज्यादा नमक खाते थे? उफ, बहुत ज्यादा। सच में? हाँ। और अम्मी? अम्मी का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो स्लाइस पर ना मक्खन भी लगाती थी और फिर ऊपर कुछ स्प्रिंकल करती थी मैं। अब इसमें डालेगा द स्टार इंग्रेडिएंट 2 टेबलस्पून सूखा धनिया। फिर आपने डालना है 1 टीस्पून जीरा। फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मसाला। ट्रस्ट में ये मसालेदार नहीं था लेकिन फ्लेवरफुल था। सूखा धनिया इज नेवर इनफ। अभी हम इसको साबुत डालेंगे क्योंकि ये हमारा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। फिर मामा ने चुटकी अजवाइन डाली। ये ज्यादा नहीं डालनी वरना फ्लेवर खराब हो सकता है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अजवाइन स्किप भी नहीं करनी। फिर हमने डालना है मजेदार सा चाट मसाला एज पर योर टेस्ट। मसाले डल चुके हैं तो अब अपने बैटर को घोलना है आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के। बहुत ज्यादा रनी नहीं करना, फिलहाल अपना पेस्ट थिक रखना है। आप देख सकते हैं मामा कैसे बैटर को घोल रही है, बेसन को घोल रही है कि इसमें गुठली ना बने। पानी डल चुका है और अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मामा, लोग तो इस बैटर में अंडे डालते हैं, लोग डालते हैं बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, ये सब चीज़ें। आप ये चीज़ें नहीं डालती? मैं आलूओं की उसमें नहीं डालती हूँ। अच्छा। और बहुत कम डालती हूँ, सोडे से ना बहुत ज़्यादा सोक हो जाते हैं, ऑयल भर जाते हैं पकौड़े। और क्रिस्पी बनाऊँगी जब ये तलूँगी ना, उस वक्त इसमें मैं ऑयल डालूँगी। ठीक ठीक, ताकि क्रिस्पी। तो आपकी टिप है कि आप इसके बैटर में ऑयल डालती हो जिसकी वजह से ये क्रिस्पी बन रहते हैं और बहुत ज्यादा ऑयल सोक नहीं करते हैं। इतने ही थिक बैटर बनाने? नहीं, बाद में पतला करूंगी। हाँ, अभी आप सिर्फ घोल रही हो। चलो ये हो गया। अभी हम अपना बैटर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं आलू वाले के पकौड़ों के लिए और सब्जी वालों पकौड़ों के लिए। इसलिए हम इसमें पहले डालेंगे ऑयल, क्योंकि ये हमारी एक वो तो मुझे पता है, ऑयल डालती है इतना गरम। मैं तो डरती कि पकौड़ा ना बन जाए। हाँ, ताकि मेरा हाथ तो पकौड़ा बन जाए। ये ऑयल ऐड करने वाली टिप क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए। अभी हमने बैटर 2 कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, फॉर द सब्जी पकौड़ा एंड फॉर द आलू पकौड़ा। सब्जी पकौड़े के लिए लेंगे हम आधी से कम बन गोभी और 2 छोटे प्याज। बन गोभी डाल रहे हैं हम अपने मिक्स्ड पकौड़ा में। और प्याज। एक दूसरी टिप कुरकुरे पकौड़े की ये है कि आप जितने बारीक वेजीज काटेंगे उतने क्रिस्पी आपके पकौड़े बनेंगे। एंड प्याज। अब हम डालेंगे इसमें अच्छा हैंडफुल ऑफ धनिया। डलता तो बहुत कुछ है इन पकौड़ों में, आप जितनी वेजिटेबल डालना चाहे डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ी सी पाबंदी है हमारे लिए, इसलिए हम लिमिटेड वेजीज डालेंगे। हम पालक नहीं डाल सकते। हाँ। हम इसमें आलू नहीं डाल सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें पसंद भी ऐसी नहीं है, सिंपल। हम टमाटर नहीं डाल सकते इसमें, बहुत कुछ आप लोग डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे जो हेड ऑफ द क्राउन है ना वो बीमार है, उन पर ये सारी चीजें बंद हैं। तो हम वही डालेंगे जो खा सके, जो उनको अलाउड है।
उन्हीं की खातिर हम भी अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बच्चे थोड़े से कौन सा बच्चा होता है? फातिमा, फातिमा सबसे बड़ा शैतान बच्चा। ऑयल को हीट कर ले और अब इसमें डालें मजेदार लच्छेदार कुरकुरे पकौड़े। रमजान में हर काम के बदले नेकी है, चाहे वो आप कुकिंग करें या किसी की मदद करें। तो कुकिंग से इस रमजान बिल्कुल नहीं घबराना और खुशी खुशी सबको मजेदार मजेदार इफ्तारी खिलानी है। आप कोशिश करें इफ्तारी आप खुद बनाएं कि ज्यादा से ज्यादा सवाब कमा सके। यहाँ पे अजान का टाइम करीब आता जा रहा था और क्योस ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अजान अजान अल्लाहुम्मा इन्नी लकसमतो वबिका मनतो वलैका तवक्कलतो वला रिज़्क़का अफ्तर्त। चलो सारे अपने रोजा खोलो। खोलो रोजा। ये देखें इसका कुरकुरापन। फातिमा आओ ना। मामा थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है क्योंकि बहुत ही कुरकुरे आपकी ये पकौड़े बहुत ज़बरदस्त। तो ये थी हमारे आज की लच्छेदार कुरकुरे मज़ेदार पकौड़ों की रेसिपी। ये वीडियो मैंने एडिट की है रोजे के वक्त तो मुझे लग गई है सख्त भूख। अगर आप इस तरह की इजी और मजेदार रेसिपी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस रेसिपी को ट्राई करके इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अनकरीब एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा पामान, अल्लाह हाफिज़।